किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है आज गन्ने का बीज करा जा रहा है और भाइयों ये खेत है वही तसला विधि जिसकी कुछ भाइयों ने बहुत मजाक ली थी और मैं दिखा दूं आपको एक बार पीछे से। ये ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के सामने से जो है ये तसला विधि है भाइयों। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 13235 का हमने वर्टिकल गन्ना बो रखा था और ये खड़ा देख लो आपके सामने बहुत शानदार गन्ना है और ये देख लो आप कितना ज़बरदस्त गन्ना है 13235 का है भाइयों। ये इस बार उधर बोंगे गेहूँ के पौधे में तो ये देख लो सारा गन्ना जो है बहुत बढ़िया खड़ा हुआ है। बहुत एक आँख में ये इतने गन्ने हैं। हाँ एक दो तीन चार पाँच छः गन्ने हैं और दो मूने हैं। आठ गन्ने चले मतलब छह गन्ने पूरे हैं इसमें। छह गन्ने भाइयों देख लो ऊपर तक पूरे हैं और जड़ से हैं जी। नीचे दिखाइए अरे देखो ये जड़ अरे एक ही आंख लगाई थी हमने वर्टिकल ऊपर कर जमीन पर अगर गहराई में रखी हुई है और इसमें जो है पूरे शुरू के महीने में तो कई कई पानी आ गए थे। एक भी बारिश में जुताई खुदाई नहीं हुई क्योंकि पावर टिलर भी नहीं था कुछ भी। फिर से गाय और बिचारों का झुंड यहाँ पेड़ों के तले कुदक रहा था यहीं लुटता रहा। कुछ भाई तो मजाक लेंगे कैसी रही जीरो होगी फलाना ढिमकाना लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गन्ना जो है बहुत बढ़िया हो गया इसमें देने वाले ने बहुत अच्छा करा। बिल्कुल बिल्कुल इसमें पहली तरफ जो है दूसरा बीज था पहले जो है आज बीज 13235 का करेंगे जितना गेहूं के बोर्ड में ये बोया जाएगा उसके बाद में दूसरा बीज बोया जाएगा। और ये भी दिखाओ ये जो दो मेडे थे 38 थे यहाँ ये जो नया 38 था। हाँ जी ये मेडे टूट गए थे आंधी में इनकी भी लंबाई देखो और वजन देखो इनका कुफर देखो जी देखो ये रहा सीधा खड़े करिए गन्ने को ये तो टूट गए थे जी खराब हो गए थे बिल्कुल। गन्ना ऊपर कर दे भाई ऊपर खड़ा और भाई ये जो दो मेडे हैं ये हाँ था और बंद भी नहीं पाया था पूरे जोर करके देख लो ये गिर गया बहुत दिन तक गिरे रहे 38 का वर्टिकल से तैयार करा था नया बीज ये वो है। और ये जो है सुपर नेपियर है 20 इसके भी दो तीन झुंडे हैं देख सकते हैं आप जड़ देखो इन गंडों की हाँ ना मजबूत है दिख रहे वो तो और ये देखो यो भी इसी के साथ का मेडा था ये दो मेडे थे इनमें जो थी आठ ही आंख थी बस चार बिल्कुल बिल्कुल ये जड़ देखो इनकी निरोगी ये देखो ट्वेल का देखो चौतरा दिखाओ चौतरे के सामने दिखा दिया वो रहा ना सामने ट्वेल है ये देखो एक तो दाग नहीं है तो गिरने की वजह से खराब हुए बहुत। और ये सुपर नेपियर है जी 20 ये इसका बीज तैयार हो रहा है यहाँ पे इसे ना इसके बाद में ये पत्ती हटा के यहाँ से बीच बीच में इसे बो देंगे तो अगली साल जो पिड्डी हट जाएगी तो ये सुपर नेपियर यहीं बीज शुरू हो जाएगा हरा चारा पशुओं के लिए। और नेपियर के साथ में गन्ना बहुत टॉप का काम कर रहा है निरोगा बहुत बढ़िया। किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बीज जो है हमने इतने लेट लो इसीलिए रोक रखा था क्योंकि गेहूं के समय में कहीं से भी बीज नहीं मिलता तो हमने पहले फागण में जो है मोल का लेके बीज बो लिया और अब इसे बोलेंगे तो अगली साल हमारे जो है कम से कम 30% बीज ही हो जाएगा और उससे अगले साल 100% बीज नया हो जाएगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी लाइक शेयर करें नमस्कार।